तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं इंडियन टॉय स्टोर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चार बैटरी ऑपरेटर गन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल गन है। और दोस्तों, आज की जो हमारी मेन गन है वो आपको मैं लास्ट में दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे ये जो कॉम्बोट गन 3। तो यार, ये जो वाली गन है ना वो काफी यूनिक सी गन है। भले दोस्तों बॉक्स छोटा है, लेकिन ये जो गन है ना वो आपको काफी बड़ी मिलने वाली है। तो दोस्तों, प्राइस की बात करूँ तो ये जो वाली गन है वो मुझे 700 रुपए के आसपास मिली है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है इलेक्ट्रिक रिवॉल्वर, तो ये दोस्तों मुझे मार्केट में 350 रुपए के आसपास मिली है। और दोस्तों यहाँ पे है सुपर गन लॉन्चर, तो ये दोस्तों मुझे मार्केट में 350 रुपए के आसपास मिली है। और दोस्तों लास्ट में है क्रिस्टल बुलेट गन, ये दोस्तों मुझे मार्केट में 300 रुपए के आसपास मिली है। तो दोस्तों लास्ट वीडियो जो देखना तभी आप लोगों को मजा आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन चारों में से कौन सी वाली गन आप लोगों को परचेज करनी चाहिए, कौन सी वाली सही है आपके लिए। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 2000 लाइक, तो मुझे बताइए दोस्तों आप लोग लाइक को जरूर पूरा करोगे। तो चलिए, तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते मैं पहले यहाँ पे जो सुपर पावर गन है उसको ही मैं ओपन करूंगा। इन तीनों को रख देता हूँ साइड में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग लुक देख सकते हो, कुछ इस तरह का लुक आपको मिलने वाला है गन का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न्यू पैटर्न है यहाँ पे। दोस्तों आपको दो कलर अवेलेबल होंगे, एक है ब्लू और रेड। पता नहीं इसके अंदर कौन सा वाला आपको कलर मिलने वाला है। तो फटाफट से इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। और दोस्तों यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखी हुई है भाई किस तरह से ये वर्क करती है। तो हमें मिला है ब्लू कलर। दोस्तों गन आप लोग देख सकते हो, बॉक्स में छोटी सी लग रही है, लेकिन यहाँ पे रियल में दोस्तों काफी बड़ी गन है और काफी फ्लेक्सिबल गन है। और इसके साथ यहाँ पे बॉक्स हो चुका है खाली। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग लॉन्चर देख सकते हो, कुछ रॉकेट जैसा आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे है 6 कॉइन लॉन्चर वाले। यहाँ पे दोस्तों जो थीम क्रिएट की गई है वो स्पाइडरमैन की जो जाली होती है वैसी थीम है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं कॉइन को निकाल लेता हूँ, बड़े ही आसानी से ये निकल जाते हैं कॉइन। तो ये जो वाला लॉन्चर है वो आप लोग को यहाँ पे क्रिएट करना है कुछ इस तरीके से। तो बड़े ही आसानी से ये क्रिएट हो जाता है। अभी मैं इसमें जो लॉन्चर कॉइन है वो इसके अंदर अटैच कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने फाइनली जो कॉइन है वो अटैच कर लिए है और इसमें लगेंगे अभी सेल। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने फाइनली सेल को अटैच कर लिए है। और दोस्तों अभी मैं स्टिकर को करूंगा ऑन, तो ये देखिए क्या होता है। तो आप लोगों ने दोस्तों देख लिया कि जो नॉर्मल जो म्यूजिक आता है वो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, गो गो फायर फायर, ऐसा ही कुछ इसमें भी म्यूजिक है। और यहाँ पे ये जो चक्कड़ी है वो राउंड घूमते हैं, इसलिए थर्मोकॉल भी राउंड घूमते हैं। और इसकी दोस्तों एक ही खासियत है कि यहाँ पे ये जो लॉन्चर है वही इसका मेन एक पार्ट है। और यहाँ पे लाइट हो रही है, यहाँ पे लाइट हो रही है। और सिंपल सी गन है दोस्तों, सिर्फ म्यूजिक और यहाँ पे लॉन्चर है, ये देखिए। तो अभी दोस्तों मैं नेक्स्ट गन ओपन करने वाला हूँ, क्रिस्टल बुलेट गन। तो यार देखने से तो यार काफी प्यारी सी गन लग रही है। यहाँ पे लाइट वाइट भी होने वाली है। और ये जो वाली दोस्तों गन है वो है 2-in-1 वाली गन। तो ये देखिए कुछ इस तरह का बॉक्स है, बहुत ही छोटा सा है, देखते हैं गन कैसी है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रिंट में जैसी दिखाई गई है सेम वैसी आपको कलर मिलने वाला है। और काफी फ्लेक्सिबल गन बनाई गई है, ये देखिए काफी फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे कोई बटन बटन तो दिख नहीं रहा, सिर्फ यहाँ पे।
क्रिएट कर लिए। अभी दोस्तों चेक करते हैं कि क्या क्या इसके फ्यूचर है और कहाँ पे लाइट होती है। तो दोस्तों यार काफी अमेजिंग गन है और यहाँ पे ये जो बुलेट वाले स्ट्रक्चर क्रिएट किए गए हैं वो यार कुछ बहुत स्पीड में यार हिलते भी है। तो यहाँ पे यार प्यारी सी लाइट हो रही है, यहाँ पे भी लाइट्स, यहाँ पे भी लाइट्स है और आगे भी लाइट्स है ये देखिए। और इसमें दोस्तों कोई लेजर लाइट आपको मिलने वाली है नहीं, सिर्फ लाइट ही है नॉर्मल वाली। और प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करो तो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी और काफ़ी शानदार लुक मिलने वाला है ये देखिए। तो अभी दोस्तों मैं ओपन करने वाला हूँ लास्ट वाली गन। और दोस्तों ये जो वाली गन है वो आप लोग देखोगे तो यार काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे, क्योंकि यार ये गन है ना काफ़ी अमेजिंग। भले ही बॉक्स छोटा है लेकिन आप लोग गन देखना यार काफ़ी बड़ी गन है। तो फटाफट से कर लेता हूँ ओपन। तो मैंने गन को दोस्तों ओपन कर लिया है, तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का सेट आपको मिलने वाला है ये देखिए। और कुछ है इसके अंदर, हाँ ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। और दोस्तों बॉक्स हो चुका है खाली, अभी कुछ भी नहीं है। और ये देखिए गन कुछ इस टाइप की मिलने वाली है। और जो गन है दोस्तों काफ़ी यूनिक और काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाई गई है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग लग भी रही है। और मुझे इसका दोस्तों जो कलर है ना वो काफ़ी पसंद आया, ये देखिए यार कितनी मस्त। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस गन का स्टैंड मिलने वाला है, तो इसको कर लेते हैं ओपन। तो दोस्तों प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करो तो यार काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिलने वाली है। और ये देखिए काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है, तो यहाँ पे लगेगा स्टैंड ये देखिए। और इसका दोस्तों आगे वाला हिस्सा, दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी लाइट होने वाली है ये देखिए। यहाँ पे दो पिन लगी हुई है और ये देखिए यहाँ पे ये जो कटर है वो भी मूविंग कर रहा है ये देखिए काफ़ी मस्त। और दोस्तों ये जो वाला कटर है वो आपको प्लास्टिक क्वालिटी में मिलने वाला है, तो फटाफट से इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो गन छोटी सी थी और बॉक्स भी बहुत ही छोटा सा था, लेकिन यार जो गन बन के रेडी हुई है वो तो यार काफ़ी अमेजिंग है। और दोस्तों इसकी मेन चीज़ बुलेट, तो इसकी दोस्तों जो मेन हाईलाइट है वो यहाँ पे बुलेट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बुलेट है वो आपको रबड़ की मिलने वाली है ये देखिए, काफ़ी फ्लेक्सिबल तरीके से ये मूविंग कर रही है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको सेट करना है, तो ये जो बुलेट है वो आपको लंबी बन जाएगी। आप लोग इसको दो तरह से क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हो ये देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सेल डाल दिए है, अभी आप लोग देखना कि जो गन है वो किस तरीके से यार चलती है, काफी मस्त यार। ये जो बुलेट है दोस्तों वो इधर से इधर आ चुकी है ये देखिए। और दोस्तों आप लोग इसमें दूसरी थीम में भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको ये बुलेट बाहर नहीं निकालनी है तो आप लोग इस तरह से ये देखिए यहाँ पे एक लॉक आया हुआ है, तो इस तरह से ये देखिए ये लॉक को अटैच कर लेना है। और ये जो वाली दोस्तों बुलेट है वो गोल गोल ही घूमेगी ये देखिए। यहाँ पे लाइट हो रही है, यहाँ पे लाइट हो रही है और यहाँ पे भी लाइट हो रही है। और लेजर लाइट भी दोस्तों आपको मिलने वाली है, यहाँ पे दोस्तों शायद लेजर लाइट है ये देखिए। तो दोस्तों ये जो वाली गन है ना वो यार काफी अमेजिंग है। और दोस्तों आप लोग इसको 100 पीस में रखोगे ना तब भी यार काफी मस्त लगने वाली है ये देखिए। इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी और यहाँ पे जो कलर है ना वो दोस्तों काफी अमेजिंग लग रहा है ये देखिए, कितना मस्त यार। दोस्तों अभी वीडियो खत्म हुई नहीं है, लास्ट में दोस्तों इन चार गन का क्लोजअप लुक दिखाने वाला, तो प्लीज़ यार लास्ट वीडियो जरूर देखना। आप लोगों को इन चार में से कौन सी वाली गन सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी वो भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे तो दोस्तों प्राइस के हिसाब से यहाँ पे ये जो
कॉम्बैट वाली गन है वो मुझे यार काफी अमेजिंग लगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसका जो लुक है ना वो यार काफी शानदार है। और दोस्तों ये जो वाली तीन गन है वो भी दोस्तों प्राइस के हिसाब से काफी बेस्ट है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, जो लोग नए हैं वो लोग हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे भी लेके आने वाला हो। तो चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।